दोस्तों, जब भी हम योनो SBI को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाऊंगा कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर योनो SBI को अभी ओपन कर दे रहा हूँ और इसमें मैं बायोमेट्रिक से बैलेंस चेक करके दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और इस प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैलेंस चेक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं बायोमेट्रिक्स को इनेबल किया हूँ पहले। तो यहाँ पे हमारे सामने एक मैसेज शो हो रहा है, योर इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड हैज़ एक्सपायर, प्लीज़ चेंज योर पासवर्ड टू कंटिन्यू। इस तरह का मैसेज शो हो रहा है। तो यानी कि हमको अपने इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इसके बाद यहाँ से मैं कट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर अपना लॉगिन पिन डालता हूँ यहाँ पर, तो चलिए मैं यहाँ अपना लॉगिन पिन डालता हूँ तो फिर देखते हैं कि क्या यही मैसेज हमारे सामने आता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं अपना लॉगिन पिन डाल देता हूँ। लॉगिन पिन जैसे हमने डाला तो फिर भी वही मैसेज हमारे सामने आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे चेंज नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपना ओल्ड इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड फिल कर देना है, इंटरनेट बैंकिंग का। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग का ओल्ड पासवर्ड फिल कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का ओल्ड पासवर्ड फिल कर देता हूँ। यहाँ मैंने इंटरनेट बैंकिंग का ओल्ड पासवर्ड फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर अब आपको एक न्यू पासवर्ड बना लेना है इंटरनेट बैंकिंग का। तो आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड बना लेना है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे री इंटर न्यू पासवर्ड, यानी कि सेम टू सेम यहाँ पे दोनों में पासवर्ड फिल कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर दोनों में न्यू पासवर्ड फिल कर देता हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पर न्यू पासवर्ड फिल कर दिया हूँ और सेम टू सेम यहाँ पर भी न्यू पासवर्ड फिल कर दिया हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं पासवर्ड मैचेड। उसके बाद अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो मैं वेट करूँगा जब तक OTP नहीं आता है। तो हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आ गया, तो OTP मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। OTP फिल करने के बाद में नीचे यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सक्सेसफुल, यू हैव सक्सेसफुल चेंज इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, यानी कि अब आपका पासवर्ड चेंज हो गया, यहाँ पर मैसेज भी आ गया है। तो चलिए मैं इस पर लॉगिन करूँगा। तो यहाँ पे गो टू लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना बैलेंस चेक करूँगा। तो मैं यहाँ पे व्यू बैलेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं अपने फ़ोन में बायोमेट्रिक को लगा लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर बैलेंस शो हो रहा है, यानी कि जो हमारा प्रॉब्लम था वह सोल्व हो गया है। तो चलिए मैं यहाँ पर फिर से अपना लॉगिन पिन डालूंगा, लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ मैं अपना लॉगिन पिन डाल देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लॉगिन पिन डाला तो यहाँ पर मैं योनो SBI में सक्सेसफुल लॉगिन हो गया हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह से अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों को पसंद है, लाइक कीजिए।